Hey wallet सुबह आयुष एंड यार न्यूटन स्कूल के चैनल पे 30 डे कोडिंग चैलेंज लॉन्च हुआ है जिसमें हर एक दिन एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर आएगी आपके लिए। Hey wallet सुबह आयुष एंड आज की मैं आपको 4 ट्रैक की 6 क्वेस्ट की लास्ट लैब का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो यार ये अपनी 6 क्वेस्ट है, इस पर क्लिक करते हैं एंड यार इस क्वेस्ट में इस लैब का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये, अगर चैनल पर नया होना चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटर इन द वीडियो आई विल टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, आपको क्यों उसे कंसीडर करना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें लेटर वीडियो में करेंगे। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए अब शुरू कर। सो यार हम लोग इस पर्टिकुलर लैब पर क्लिक करते हैं एंड यार स्टार्टिंग देख लेते हैं इसमें कितने टास्क हैं। 7 टास्क हैं अप्रोक्स। और यार ये लैब एकदम सेम है जैसे कि इससे पहले लैब है इस पर्टिकुलर क्वेस्ट में। तो लैब को स्टार्ट करते हैं। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों को क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना होगा। तो पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, एंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो यार ये हम लोग का मेन टास्क है, लैब टास्क, जिसका नाम है सबसे पहले हम लोग को सीडी करना है और कुछ फाइल्स हैं जिनको डाउनलोड करना है। तो यार ये एक्टिवेट हो गया, क्लाउड सेल को एक्टिवेट करते हैं एंड यार इसमें दोनों बेसिक कमांड्स को रन करते हैं, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट को ऑथराइज कर देना एंड सेकेंडली जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको आपकी प्रायोरिटी शो हो जाएगी ऐसा कुछ। अब ये फर्स्ट वाली कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं सीडी करने के लिए और फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद जोन को सेट करेंगे, प्रायोरिटी और क्लस्टर नेम के एनवायरमेंट वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे और फिर क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले वाले कमांड का ऐसा कुछ आउटपुट शो होगा, यह आउटपुट जनरेट हो गया है। अब दूसरे वाले कमांड को पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। अब हम लोग अपने क्लस्टर को क्रिएट करेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करेंगे। इसमें तीन नोड्स हैं यार, तीन वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगी। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, क्लस्टर को क्रिएट होने में यार 5 मिनट लगेंगे एंड यार हम लोग क्लस्टर क्रिएट होने लगा है। ठीक है, फाइनली ऐसा कुछ आउटपुट आपको शो होगा। सो यार हम लोग का क्लस्टर क्रिएट हो गया है। अब क्लस्टर जो क्रिएट हुआ है उसके क्रेडेंशियल्स को लेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, एंटर करना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यार इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करेंगे चेक करने के लिए कि सर्विसेज डिप्लॉय हुई है कि नहीं, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब यही सेम चीज पॉड्स को चेक करने के लिए इस कमांड कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज शो हो जाएंगी। पॉड्स वाले कमांड को पेस्ट करना, रन करना, अब इसकी आपको सारे पोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यार चेक करने के लिए कि स्टीरियो इंजेक्शन इनेबल्ड है कि नहीं, इस कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे और ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब यार जो पहला मेन टास्क है वो ये है, रिप्लॉइंग रेस्टनेट 50। इसमें पहले हम लोग एक स्टोरेज बकेट क्रिएट करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, बकेट हम लोग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बकेट में डेटा को कॉपी करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, आपका डेटा पूरा कॉपी हो जाएगा। अब जो आगे के स्टेप्स में काम किया गया है वो इन तीन स्टेप्स में बताया गया है। पहले आप क्रिएट करेंगे क्यूबरनेटिस कॉन्फिग मैप को, उसके बाद एक क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेंसरफ्लो सर्विंग इमेज फ्रॉम डॉकर हब, और जब डिप्लॉयमेंट रेडी हो जाएगा एक क्यूबरनेटिस की सर्विस को क्रिएट करेंगे। तो पहले कॉन्फिग मैप को क्रिएट करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, और ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये ऐसी शो करनी चाहिए। ठीक है, ये पहला टास्क है जहां पर लोगों से गलती होती है, इसमें हम लोगों को इस पर्टिकुलर फाइल में जाना है और चेक करना है कि फाइल में जो कोड है वो सेम ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो TF सर्विंग के अंदर ये फाइल का नाम है, तो उसके लिए हम लोग पहले ओपन एडिटर पर क्लिक करेंगे, ओपन इन अ न्यू विंडो पर जाएंगे और वापस आके ओपन टर्मिनल कर लेना और ना आपकी प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यार जो फाइल का नाम है वो है resnet50.yaml। तो पहले इस पर क्लिक करना, देन हम लोग TF सर्फिंग पर जाएंगे और ये फाइल है हम लोग की कॉन्फिग मैप resnet50.yaml, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जो बेसिक चेंज आपको करना है यहाँ पे अपनी बकेट का नाम डालना है। ठीक है, तो पहले इसको रिमूव करना यहाँ तक और आपको बकेट का नाम यहाँ पे टर्मिनल में लास्ट कमांड से शो हो जाएगा इस वाले। ठीक है, तो बकेट के नेम को आराम से ध्यान से कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, फाइल पर जाना, सेव ऑल कर देना। ठीक है, ये काम हो गया, आप अप्लाई कर देना, चीजें अपडेट हो जाएंगी, पेस्ट करना, रन करना, ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फाइल में जो कोड है उसको चेक करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, आपको पूरा कोड शो हो जाएगा ऐसा कुछ। अब डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, डिप्लॉयमेंट आपकी क्रिएट हो जाएगी ऐसे कुछ। और अब डिप्लॉयमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए इस कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे और यहाँ आपको डिप्लॉयमेंट शो हो जाएगी, अभी रेडी स्टेट में नहीं है। सो यार थोड़ा सा वेट करते हैं, अब इस कमांड को फिर से रन करते हैं और अभी रेडी हो गया है। ठीक है, ये काम हो गया, उसके बाद नीचे आएंगे, सर्विस वाली जो फाइल है इसको भी क्रिएट कर देंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये भी अप्लाई हो जाएगा, ये भी क्रिएटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया, क्वेरी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कॉन्फिगरिंग STO इंग्रेस गेटवे। इस पर्टिकुलर फाइल में ऐसा कुछ कोड होगा, तो पहले हम लोग गेटवे को क्रिएट करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे आएंगे, ये वर्चुअल सर्विस फाइल का कोड है, उसको अप्लाई करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इमेज क्लासिफायर क्रिएटेड। उसके बाद टेस्टिंग एक्सेस टू द रेस्टनेट 50 मॉडल, यहां से सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क शुरू होते हैं आपके। पहले सेट करेंगे इंग्रेस के IP और पोर्ट, उसके लिए इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये सेट हो जाएगा। अब गेटवे URL को सेट करेंगे, उसके लिए इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये आपको यहाँ पे उसका URL शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो TensorFlow सर्विंग रेस्ट प्रेडिक्शन एंड पॉइंट है ये एक्सेसिबल है इस पर्टिकुलर लिंक पे, ये दोनों कमांड बस आपको समझाने के लिए। उसके नीचे हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ऐसा कुछ आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, और ये आउटपुट शो हो मतलब आपका मेन काम हो गया है। ठीक है, अगर ये आउटपुट शो ना हो मतलब कुछ गलत किया है आपने लैब में, ऐसा कुछ आउटपुट शो होना यहाँ तक के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अब ये थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क आ गया,
यार ये रेस्टनेट 101 का कुछ कोड है, स्टार्टिंग में आपको बताया गया है, आप सीधा इस कमांड को हम लोग रन करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, पेस्ट करेंगे रन करेंगे, उसके बाद यार नीचे आके इस पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट करेंगे, इसको कॉपी करना है, इस कमांड को पेस्ट करेंगे रन करेंगे, पिछली फाइल हम लोग की क्रिएट हो चुकी है और ये भी अप्लाई हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है ये काम हो गया। उसके बाद अब ये मेन तीन चीजें हैं जो हम लोग को करनी है, क्या करना है, पहले रेस्टनेट 101.yaml फाइल है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसके बाद ये दोनों कमांड्स को रन करना है, ठीक है। तो यार इन दोनों कमांड्स को रन करने से पहले हम लोग को एक कमांड की जरूरत पड़ेगी जो कि था ये वाला, इसको कॉपी करना और इसको यहाँ पेस्ट करना, जिससे आपको आपकी बकेट का नाम बताया जाएगा ये। तो यार अब हम लोग कॉन्फिग मैप रेस्टनेट 101.yaml फाइल पर जाएंगे, ये है यार, इस पर क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको बकेट पे क्लिक करना और इसको रिमूव करना शुरू करना, ठीक है यहाँ तक, और टर्मिनल पर जाके बकेट के नेम को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना। तो यार ये पेस्ट कर दिया, अब फाइल पे क्लिक करके सेव ऑल कर देंगे, ये काम हो गया। उसके बाद आपको इन दोनों को अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए पहले इस कमांड को कॉपी करना, ठीक है, पेस्ट करना और इसको रिमूव कर देना। क्यूबिसेटल अप्लाई या तो आप डायरेक्टली लिख लो या तो ऐसे लिख लो, जो तरीका आपको पसंद आए। तो यहाँ टी तक पूरा रिमूव कर देना और फिर यहाँ से ये सेकंड वाले कमांड को ऐसे कॉपी करना, यहाँ तक पेस्ट करना, इंटर करना, ये क्रिएट हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही आप पिछले वाले कमांड को रिमूव करिएगा यहाँ पे टी तक, फिर यहाँ से थर्ड वाले कमांड कॉपी करिएगा, पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ये भी क्रिएट हो जाएगा। यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर लैब में। आप कुछ रिक्वेस्ट को हम लोग सेंड करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ये आउटपुट हो गया, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब यार कॉन्फ़िगरिंग वेटेड लोड बैलेंसिंग में इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करके रन करेंगे हम लोग, पेस्ट करना, रन करना, ये भी कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा यार। उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट को हम लोग और सेंड करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, और ये आउटपुट जनरेट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, और कहां कितना ट्रैफिक जा रहा है वो आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब यार हम लोग अपने फाइनल टास्क में आ गए, कॉन्फ़िगरिंग फोकस कैंडिडेट टेस्टिंग में, इसमें बस आपको इस वाले कमांड कॉपी करना है, इसका कोड आपको ऊपर शो हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट करना है, रन करना है, ये भी कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा और हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी की चीजों को आप रन करा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, इस पर्टिकुलर लैब को कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। यही फाइनल टास्क था इस पर्टिकुलर लैब का। अब यार अभी हम लोगों को 10 पॉइंट्स मिले हैं, मैं जल्दी से सबको चेक में प्रोग्रेस कराना शुरू करता हूं, और आप देख सकते हैं पॉइंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, और यार सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिल चुके हैं, 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो यार ये अपनी लैब थी, जैसे मैंने किया ऐसे करना, आराम से हो जाएगी, लैब को एंड करते हैं। बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां आपको ध्यान देना, बाकी लैब सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। तो यार ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप फोर्थ ईयर में है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर्टिकुलर कोर्स की, उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, आपको कोई डाउट है तो आप वहां पूछ सकते हैं। जो शॉर्ट में मेन टॉपिक है वो ये है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट है, मतलब क्या कि अगर आपने ये पर्टिकुलर कोर्स किया तो आपकी मिनिमम 5 लाख सीटीसी से लेके 40 लाख सीटीसी के बीच में जॉब लगेगी, और मिनिमम 5 लाख सीटीसी की तो लगेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का बहुत नाम है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं अगर आप फोर्थ ईयर में है तो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बेस्ट इंडस्ट्री मेंटर्स आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे चेकआउट कर लेना। वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली, ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के एनरोलमेंट से भी चल रहे हैं, अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यार ये अपनी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सीनियर स्टूडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।